क्या नाम है आपका? मुकुंद उपाध्याय। क्या हुआ? मैं गाड़ी यहाँ से लेके गांव जा रहा था, यहाँ पे एसटी ट्रैफिक की गाड़ी आ गई, आगे उन्होंने कुछ नहीं, सबसे पहले मुट्ठा तोड़ा है, फिर मेरे 8-10 मोबाइल नाक में मारे हैं, नाक में फ्रैक्चर हो गया है, ब्लीडिंग आ रही है। किसने किया? एसपी ट्रैफिक। नीली गाड़ी थी, गट्टे से थी, और गाड़ी एक और गाड़ी चल रही थी आगे, और 8-10 पुलिस वाले थे, वो नहीं रुके, सबसे पहले एसपी ट्रैफिक जी आए और मेरी मुट्ठा तोड़ा और मोबाइल नाक में मारा। मैंने कही सर नाक पे फ्रैक्चर हो गया, लग गई है, ब्लड निकल रहा है, मुझे एडमिट कराओ, देख के सीधे तुरंत भाग गए। किस रूट की गाड़ी आपकी? एक नंबर रूट से तो आ रहा हूँ मैं, घर जा रहा हूँ, मार्ट गाँव। उनसे आपने पूछा नहीं क्यों मार रहे हो मुझे? नहीं, ये कुछ बताया नहीं, एक शब्द भी नहीं निकाला, सबसे पहले मुट्ठा तोड़ के मोबाइल मुँह पर मारा है। इन सबसे पूछ सकते हो, ये गवाह हैं सब। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दानिश है। क्या मैटर था यहाँ पर? मैटर कुछ नहीं था, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने इनको देखा कि एसपी ट्रैफिक साहब इनकी नाक पे जो है मोबाइल मारे जा रहे हैं, तो मैं ये देखने के लिए रुका भी, सर मेरी तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं उनसे कुछ कह सकूँ। ऐसा क्यों किया उन्होंने, पूछा नहीं आपने? उनकी मर्जी, मैं तो सर कई दिनों से उनका ये आतंक देख रहा हूँ कि जो कोई आता है ई रिक्शे वाला, उनके मुँह पे और माथे पे और मुंह पे मतलब जो है मोबाइल मारते हैं। आप भी ई रिक्शा वाले हो? जी मैं ई रिक्शा वाला नहीं हूँ सर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खाकी को शर्मनाक करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां जिले के ट्रैफिक एसपी पर ई रिक्शा चालकों ने मारपीट का आरोप लगाया है। ई रिक्शा चालकों का आरोप सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। घबराए नहीं, इसके नाक से बहता हुआ खून साफ तौर पर इसके तकलीफों को बयां कर रहा है कि खाकी का गुस्सा इसके ऊपर किस तरह हावी हुआ है। कुछ दिन पूर्व भी ई रिक्शा चालकों ने ट्रैफिक पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ट्रैफिक पुलिस पर लगे आरोपों को ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि भूषण शर्मा ने एक सिरे से खारिज किया था, मगर आज एक बार फिर वृंदावन के प्रेम मंदिर के समीप ट्रैफिक एसपी के द्वारा ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही ई रिक्शा चालक भ्रष्टाचार का भी आरोप ट्रैफिक पुलिस पर लगा रहे हैं। इस घटना के बाद वहां मौजूद थी ई रिक्शा चालक अपनी आपबीती सुनाने को मजबूर हो गई कि ये तो आम बात है, ये हमारे साथ रोज होता है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि ई रिक्शा चालक प्रशासन के विरोध में क्या बोल रहे हैं। नाम है आपका? क्या बांटता तू यहाँ पर? मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था घर, तो जब से रुकी थी तो उसने आए थे वो इधर वो निकल के उसने फोन मारे थे उनके भाई के, जब अपने घर पे जा रहे थे। अच्छा, आपकी गाड़ी आपने देखा था उनको मारते हुए? देखा था मैंने उनको, मैं रुका भी था गाड़ी लेके, मैं सुन नहीं सकता वो कितनी। आपने पूछा नहीं क्यों मार रहे मुझे? मैं ये तो पूछ सकता हूँ तुमसे, क्यों नहीं पूछ सकते आपको? क्या मैटर हुआ यहाँ पर? हम तो निकल के जा रहे थे भी अपने घर के लिए, तो हमने देखा तो रुके, 2-3 पुलिस वाले उतरे थे तो इनके भैया के नाक ही नाक पर फोन मारे चले गए थे, ये हमने देखा इसलिए हम रुके हुए। आपने पूछा नहीं था? हमने हमारी काम हमारे को पूछेंगे भैया, बस इतना हम देखा है, हम रुके हुए रोज होता है भैया। क्या नाम है भैया आपका? क्या बांटता है तू यहाँ पर? भैया मैं तो यहीं पर खड़ा था, भैया वहाँ से निकल के आए थे, एसपी ट्रैफिक की गाड़ी आई हुई थी, उन्होंने इनकी गाड़ी की आग लगा के पहले तो इनकी गाड़ी का तार तोड़ दिया गया था, फिर उनके हाथ में मोबाइल लग रहे थे दो, फिर इनकी नाक पे वार किया था मोबाइल से, और इन्होंने बोला भी था कि भैया मेरे को क्यों मार रहे हो, हर रोज का यहाँ का भैया यही नियम है, सामने गाड़ी खड़ी रहता है, वहाँ पर ट्रैफिक वाले होमगार्ड वाले ये अपना धंधा करते हैं, 150 रुपये लेते हैं कच्चे को, जब गाड़ी भरने देते हैं यहाँ से। आपके पास प्रूफ है भैया? यहाँ पर सबसे पूछ लिया, सबका यही हिसाब है, सबसे पैसा लिया जाता है। अच्छा, किसकी गाड़ी आई थी इनको मारने के लिए? ₹300। आपने देखा था एसपी ट्रैफिक को मारते हुए? की गाड़ी मैंने देखी थी, मैं यही खड़ा था, ब्लू कलर की गाड़ी थी। देखिए एसपी ट्रैफिक का कितना मतलब जो है जुर्म वो हो रहा है, और ये ई रिक्शा पे अपना अत्याचार कर रहे हैं, हाथ पैरों से मार रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये देखिए रूट नंबर की गाड़ी है, रूट नंबर की गाड़ी के बावजूद होती है भी ये देखो, नाक में फ्रैक्चर करके गया, घूसा मारा है। हाँ जी बोलो। नाक में घूसा मारा है एसपी ट्रैफिक ने, नाक में घूसा मारा है, हमारे सामने मारा है भाई साहब, बिल्कुल। ये देखिए पब्लिक इस बात की चश्मदीद गवाह है
क्या इन सबके सब सबके सामने यूनियन गलत है। हमारे सामने भैया स्पीड ट्रैफिक यहाँ पे आया है, हम भैया के भूसा मार के रहे हैं, इनका नाक में फ्रैक्चर कर दियो। ये देखिए नाक में फ्रैक्चर हो चुका है बुरे तरीके से, ये खून निकल रहे हैं यहाँ पे।